उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन और बजट अध्यादेश मामले पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज नैनीताल हाईकोर्ट पूरे मामले पर 2 बजे के बाद अपना फैसला सुना सकती है। केंद्र सरकार, हरीश रावत और बागी विधायकों की बहस पूरी होने के बाद एमएलए भीमलाल ने मामले में कुछ औपचारिकता पूरी होने की बात बताई है, जिसके बाद कोर्ट कोई फैसला ले सकता है। नैनीताल हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि कल शाम 5 बजे तक कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति राजा नहीं है। सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पूर्ण शक्ति किसी को भी भ्रष्ट कर सकती है और राष्ट्रपति भी कभी कभी गलत हो सकते हैं, ऐसे में उनके फैसलों की समीक्षा भी होनी चाहिए। उधर याचिकाकर्ता हरीश रावत के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के बिल स्वीकृत कहने और राज्यपाल के विवादित कहने से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। केंद्र सरकार की तरफ से पूरी जो बातें रखनी थी हो गई हैं। दूसरे पेटिशनर्स ने अपनी बात भी विस्तार से रखा है। एक आधा विषय पे कुछ क्लैरिफिकेशन है जो कल 2 बजे फिक्स हुआ है, तो वो क्लैरिफिकेशन दे दिया जाएगा। जहां तक आर्ग्यूमेंट था, हम लोगों ने तो उस बात को कल से ही रिपीट करके रखा हुआ है कि जो 18 तारीख की घटनाक्रम थी और उसमें फाइनेंस बिल जो पास नहीं हुआ था वो एक मुख्य मुद्दा है। एक बिल जो पारित नहीं हुआ उसे पारित दिखाया गया और जिस प्रकार से स्पीकर की भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त आज आर्ग्यूमेंट्स के दौरान एक पॉइंट जो पिटिशनर्स ने उठाया कि कहीं पर भी जो उनके पिटिशन में स्पष्ट भी है कि उनके पिटिशन में स्पष्ट है पैरा 16 में कि किसी ने डिवीजन नहीं मांगा था। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज एक अहम फैसला भी सुनाया जा सकता है। आपको बता दें कि 2 बजे के बाद एक फैसला आ सकता है। फैसले का सभी को इंतजार है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार भी देखने को मिली है और सवाल ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं हटाया जा रहा है, क्या केंद्र सरकार प्राइवेट पार्टी है।